Hi guys, in this video I'm going to tell you how to download Zoom and how to join the meetings which are given by your teacher. At first, you should open your Play Store and search for Zoom app. Its full name is Zoom Cloud Meetings. Install it. मैंने एक बात शेयर करनी थी. मैं जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी ना, मीटिंग्स हमारी स्टार्ट हुई थी, तब ना मेरे टीचर ने मुझे बताया था, हम एक्चुअली सबको बताया था कि कैसे हमने जूम मीटिंग मैनर्स के साथ कैसे अटेंड करनी होती है. तो ना मेरे टीचर ने कहा था कि जब भी तुम्हें जूम मीटिंग अटेंड करनी है, अपनी क्लास की तरह अटेंड करो. जैसे जैसे तुम क्लास में अटेंटिव होकर बैठते हो, मैम को आंसर्स देते हो, पढ़ते हो, वैसे जूम मीटिंग करा करो. एक कई बच्चे लेटे होते हैं, कई घूम रहे होते हैं वीडियो ऑन करके, वो अच्छा नहीं लगता. उसमें आपके टीचर की भी इंसल्ट होती है और आपकी भी इंसल्ट हो रही होती है उसमें. तो मेरा तो यही कहना है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो तो पक्का मेरे गए पे सही चीज़ें करेंगी. अच्छा, अब जूम इंस्टॉल हो चुका है, ओपन करना है. ओपन करके आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है. आपने ना साइन इन करना है ना साइन अप करना है. ज्वाइंट मीटिंग अभी हमने नहीं करनी, जब मैम लिंक भेजेंगे तब हम दिखाऊंगा. अभी मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली. इसे बंद कर दीजिए. अब जैसे मुझे मैम ने व्हाट्सएप पे भेजा था, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा, ये लिंक है. लिंक पे क्लिक करो. टू वेज है, ये इजीएस्ट है. ये हमने जूम ऐप पे से करना है ना, तो ओपन विद जूम. अच्छा, यहाँ पे हमने अपना नेम लिखना है ना. मेरा नेम आर्यमन है, आर्यमन. अपना रो क्लास, एक सेकंड, ये ना क्लास कहाँ रहा, ये रहा यार, जस्ट अ सेक. मेरी 9th है. अपना क्लास सेक्शन भी अपना साथ में लिख लेना है. उसके बाद अपना रोल नंबर, बस इतना ही लिखना है. और ऐसे ही लिखना है क्योंकि फिर टीचर को आसानी से दिखता है और टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसे आसान लगता है. और यहाँ पे ओके कर देना है. और अब कनेक्ट हो रहा है हमारा नेटवर्क. ये वाला इंटरफेस हमारे सामने मिला है. अब ये देखो, प्लीज़ वेट, द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून. इसका मतलब है रुको, थोड़ी देर पेशेंस रखो. आपको होस्ट अंदर लेने के लिए एडमिट करेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं ना. ये देखो होस्ट के पास अभी मैं ही हूँ क्योंकि अब मैं कितने बच्चे तो नहीं दिखा सकता, एक ही दिखा सकता हूँ मैम के पास. लेकिन जब आपकी क्लास होगी तो बहुत सारे 40-50 बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें एडमिट करने में टाइम लगता है. वो एक एक क्लिक करके करते हैं. अब देखो, अब ये क्लिक करते हैं ना तो मैम ने तुम्हें एडमिट कर लिया. यहाँ पे आपको कनेक्टिंग की ऑप्शन आ जाएगी. यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस विल टेक अ फ्यू मोमेंट्स. इसका मतलब है रुक जाओ, सबर करो, नेटवर्क के कारण थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. और अब ये देखो, कॉल ओवर इंटरनेट आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्लिक करना है. और ये आपसे ऑप्शन मांगेगा, मतलब पूछेगा, अलाउ कर देना है. ये माइक वाला आइकन आ गया, वीडियो शेयर वाला आइकन आपके लिए नहीं है, छोड़ो उसे. पार्टिसिपेंट्स कौन गया, पार्टिसिपेंट्स और मोर. ये माइक वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे, ये वो क्रॉस सा हट गया ना, ये देखो, ये टीचर के साथ ऐसा होता है, इको होती होती है. ये तब होती है जब आपके पीछे से भी जब आवाजें आती होती है ना, तब भी ये इको होती होती है. अब हमने ऐसा नहीं करना, अपना माइक ऑफ कर देना है. देखो, इको बिल्कुल बंद होगी. अच्छा, अब वीडियो वाला आइकन है. वीडियो अगर टीचर आपको अलाउ कहेगा वीडियो ऑन करने के लिए तो वीडियो ऑन करनी है. ये वीडियो मेरी ऑन होगी, ये देखो मैं दिख रहा हूँ, ये देखो. ओके, अब वीडियो हमने ऑफ करनी है तो स्टॉप वीडियो वाले आइकन पे ही क्लिक करना वापस है हमने, ये वीडियो ऑफ होगी. ठीक है, शेयर वाला आइकन आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी. और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स वाले आइकन में सिर्फ इतना होता है, वो दिखाता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बस. और मोर वाले आइकन में चैट की ऑप्शन होती है,
उससे आप टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो, या टीचर आपको कुछ पूछे और आपका माइक ना ऑन हो तो यहाँ से बता सकते हो। और बस और कुछ नहीं होता, और आपने टीचर की हर बात मानी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, और डू कमेंट डाउन कि कौन अच्छे से पढ़ता है और कौन नहीं। लेकिन मुझे पता है सब पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड, शेयर, कमेंट एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।